बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 10th क्लास की मैथ्स का गेस्ट पेपर है वो आ गया इंशाल्लाह ताला। जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं उनका पेपर इन्हीं में से आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। जो सबसे डल स्टूडेंट होते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या है, उनको मैथ के क्वेश्चंस नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए एक फार्मूला छोटा सा, अगर वो सारी बुक के MCQs कर लें, ठीक है, वो 15 नंबर के वो आते हैं, और जितनी भी डेफिनेशंस है बुक के एंड पे हैं और चैप्टर्स के एंड के पे भी होती हैं, अगर वो वाली डेफिनेशंस तैयार कर लें और जो थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 का वो तैयार कर लें, तो इंशाल्लाह ताला उनके जो मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स आ सकते हैं 75 में से, ठीक है, और पासिंग मार्क्स जो हैं वो 25 चाहिए होते हैं। तो इसलिए ये उन स्टूडेंट के लिए जो वीक स्टूडेंट हैं, जिनको जिनसे क्वेश्चन नहीं होते, तो अगर वो सिर्फ डेफिनेशंस कर लें, MCQs कर लें और चैप्टर 9 के थ्योरम कर लें, तो उनके 40 मार्क्स आ सकते हैं 75 में से, ठीक है। तो अब बाकी स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि अगर कुछ स्टूडेंट जो वीक हैं वो ये वाले सवाल भी कर लें, तो उनके और भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चले चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, में शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 1 है आपका, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, उसकी जुज नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 भी शॉर्ट में आएगा, क्वेश्चन 2 में 1, 2, 3 और 4 ये 4 जुज हैं, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो इसके बाद जो 1.1 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट जुज है वो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जो 6 जूज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इनमें से लॉन्ग आ सकता है, ठीक है, और ये फेवरेट लॉन्ग है, इनमें से आ सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है, तो इसमें जो लॉन्ग के लिए क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन नंबर 1 की 1 जूज आ सकती है, 2 जूज आ सकती है, 3, 4, 5, 6 और 10, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 है, ये फुल लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपको आपने 11 को छोड़ देना है, 15 को छोड़ देना और 16 को छोड़ देना, बाकी आपने सारे करने हैं लॉन्ग के लिए। उसके अलावा जो एक्सरसाइज 1.4 है, ये भी फुल इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, लेकिन इसमें जो ज़्यादा फेवरेट लॉन्ग इंपॉर्टेंट है उनमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11 है, ठीक है। तो इसके बाद रिव्यू है, रिव्यू में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये शॉर्ट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और हम अब देख लेते हैं इन सारी चारों एक्सरसाइज में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, वो 1.1 है और 1.3 है, इन दोनों में से लॉन्ग के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 है, दूसरा चैप्टर है ये, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट में आएगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट में आएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इसमें 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 आपने लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट करने हैं तैयार। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन जो शॉर्ट के लिए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये फुल आपने करने हैं शॉर्ट में। उसके बाद जो इस चैप्टर में लॉन्ग है वो एक ही लॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 है, एक्सरसाइज 2.3 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है वो शॉर्ट में आएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग में आता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग में आता है, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग, 4 की 1 जूज है वो लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 है, ये सारी की सारी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो क्वेश्चन नंबर 1 की 3 जूज, क्वेश्चन नंबर 2 की 3 जूज और क्वेश्चन नंबर 3 की 1 जूज है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये सारा शॉर्ट में आता है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ठीक है, ये दोनों आपने करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 है, 2.6 में जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी जूस जितनी भी है वो सारी आपने शॉर्ट में करनी है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.7 है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दें, बेशक ना भी करें तो कोई मसला नहीं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.8 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन पहला और दूसरा ये जो लॉन्ग में ही आते हैं। उसके बाद रिव्यू वाला, इसकी रिव्यू है चैप्टर रिव्यू, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसकी 7 जूज जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, तो आपने 7 जो है ये रेडी कर लेनी है। तो इसके लिए आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है लॉन्ग की दूसरे चैप्टर में, जहाँ से लॉन्ग आ सकता है, इसमें 2.1 में से लॉन्ग आ सकता है, 2.2 में से और 2.4 में, ये तीन चैप्टर जो तीन एक्सरसाइजेज जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। उसके बाद एक्सरसाइज तीसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 9 तक ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं सॉरी
ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इस 3.1 में जो है वो लॉन्ग नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में जो 3.2 में आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक, 8, 9, 10 और 11, ये जो आपने चार ये अपने लॉन्ग में करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 है, ये फुल एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, ठीक है। इसका आपने एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छोड़ना है, इसमें से 100% चांसेस है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के आने के। उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 है, ये भी फुल करनी है आपने लॉन्ग के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज 3.6 है, ये भी लॉन्ग के लिए बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो रिव्यू वाला देख लेते हैं, जो रिव्यू है ना, इस रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे यूज़ जो है वो शॉर्ट में करनी है। अब देख लेते हैं सबसे जो फेवरेट लॉन्ग में के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तीसरे चैप्टर में, वो है 3.4 या 3.6, इन दोनों में से इंशाल्लाह ताला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा। उसके बाद चौथा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। चौथे चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपने 7 और 8 करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पहला और दूसरा, ठीक है। और रिव्यू में जो शॉर्ट क्वेश्चन ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 सारा करना है शॉर्ट के लिए। और इसके लिए जो फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं लॉन्ग के लिहाज से जहाँ से लॉन्ग आ सकता है वो 4.1 है और 4.2 है, लेकिन 3-4 भी आपने करनी है, लेकिन जो ज़्यादा फेवरेट मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसके बाद आज पाँचवा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। एक्सरसाइज 5.1 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो फुल एक्सरसाइज आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करनी है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद 5.4 पे आ जाए, 5.4 में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो ये आपने शॉर्ट के लिए करना है, लॉन्ग इसमें भी नहीं करना आपने। उसके बाद 5.5 है, इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है और 4 करना है। उसके बाद रिव्यू है, रिव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपने करना है। उसके बाद एक्सरसाइज छठा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। छठे चैप्टर में 6.1 में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप शक ना करें। उसके बाद 6.2 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इनकी रिव्यू आपने कर लेनी है, रिव्यू में जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो वाले कर लेने। उसके बाद एक्सरसाइज 7वां चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 है, ये आपने फुल जो है आप शॉर्ट के लिए करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज 7.2, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है पहला, दूसरा और तीसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन पहले से लेकर छठे तक ये शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। उसके बाद रिव्यू है, रिव्यू में आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को पहले 4 चैप्टर से इतना आते हैं, पहले 4 चैप्टर तो आपके लॉन्ग वाला पोर्शन जो है वो सारा अटैम्प्ट हो जाता है, आपके दोनों लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे। और तीसरा जो लॉन्ग होता है वो आपका थ्योरम वाला होता है, तो आप चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम रेडी कर लें और पहले 4 चैप्टर लॉन्ग के लिए कर लें, तो आपका लॉन्ग वाला पोर्शन 100% हो जाएगा तैयार। उसके बाद आपने चैप्टर 18 से लेकर 13 तक सारी डेफिनेशन ही करनी है, इसमें सवाल आपने नहीं करने। उसके बाद जो आपकी जितने भी चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम है वो आप रेडी कर लें और MCQs रेडी कर लें रिव्यू वाले, तो इंशाल्लाह ताला आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।